काठी कहाँ थी? मेले में थी काठी। आपको नहीं बिठाया मेले में? छोटे में हम नहीं बैठ सकते थे, इसलिए इसको ना बिठाया नहीं, इसके मन की इच्छा पूरी हुई ही नहीं, और फिर रोता रहा। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं सरू राणा स्वागत करती हूँ आपका आज की न्यू ब्लॉग में। तो चलिए करते हैं आज ब्लॉगिंग की शुरुआत एक नए दिन के साथ। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएँ शिवरात्रि की। आप सभी को, आप सभी की मनोकामना भोलेनाथ पूरी करें। आप सबको, सभी को, सभी लोगों को स्वस्थ मस्त रखे भोलेनाथ। तो चलिए करते हैं ब्लॉगिंग की शुरुआत। और मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह की 8 बजे से। 8 बज रहे हैं। मैंने सोचा था थोड़ा सा मंदिर जाते हैं, मतलब कल रात को तो हमने सोचा था कि मंदिर जाते हैं, थोड़ा जल्दी जाएंगे, लेकिन बेटा छोटा है तो इसके साथ ना मतलब जल्दी उठा भी नहीं जाता। और फिर आजकल मैं यहाँ पे अकेली भी हूँ, मम्मी भी घर चले गई है, तो इसलिए इसको मतलब जब सुलाते तब नहा भी सकती हूँ मैं, क्योंकि फिर वो तो ऐसे इसके साथ कुछ भी काम नहीं होता। तो उसके पापा अभी फिलहाल जा रखे हैं दुकान में, वो भी आएँगे थोड़ी देर में। तो मैं तो हो गई हूँ नहा धो के एकदम से तैयार मंदिर जाने के लिए, और अभी कर रहे हैं हम शिवांश के पापा का पेट, और शिवांश को भी मैंने नहा धुला के एकदम तैयार कर दिया है। तो चलिए चलते हैं मंदिर। अगर क्या बोलते हैं उसका नाम, भीड़ नहीं होगी, लग तो रहा है सामने ही हमारा शिव मंदिर, वहाँ पे जा रहे हैं हम, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो दिख रहे हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़, और भीड़ नहीं होगी तो बनाएंगे वीडियो, अगर भीड़ होगी तो नहीं बना पाएंगे। तो देखते हैं, चलिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। फिर भी आ गए हैं ये भी शिवांश। हेलो कर दे। हेलो भगवान जी को कैसे करते हैं? जय करते। अच्छा चलो तब ये जय भगवान जी। भगवान जी को जय जय करा, जय जय करा भगवान जी को है। अरे आ गए हमारे तो ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे टेंट लग रखा है रेड कलर का, वहाँ पे है शिव मंदिर, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग रही थी। मुझे लगता नहीं है अंदर ब्लॉग बनाने का मौका भी मिलेगा, जल चढ़ाना मिल जाए उतना ही बहुत है। तो देखते हैं, चले बने रहिए। शिवांश के पापा और शिवांश से जा रहे हैं आगे आगे, और मैं चल रही हूँ उनके पीछे पीछे। तो यहाँ से ना रोड क्रॉस करेंगे हम पार मंदिर जाने के लिए। हम मंदिर से वापस भी आ गए, और वहाँ इतनी सारी भीड़ थी कि हम मतलब वीडियो भी नहीं बना पाए जाते हुए कि वीडियो बनाए। अभी हम पहुँच गए, छोटी पकड़ के बैठा हुआ है यहाँ पे, वहाँ फोन सीधे अंदर ही जेब में ही रखना पड़ा क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। कमरे के में और यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे रूम पे पहुँचे वैसे यहाँ पे पोले पिलाने वाले भी आ गए थे, तो शिवांश को यहाँ पे उन्होंने पोले ही पिला दिया था, पिला लिया है मतलब। ये देखो दरवाजे पे लिखा था उन्होंने, पता नहीं क्या जो लिखते हैं। तो हम आ गए हैं मंदिर से घर पे, तो आगे का ब्लॉग दिखाते हैं आपको, उसके आगे हम क्या करते हैं और क्या नहीं, तब तक बने रहिए मेरे वीडियो। और दिन भर हम रूम पे बैठे रहे, अभी अचानक से हमारा प्लान बना, इनको भी और इनके दोस्त लोग भी जा रहे हैं। तो यहाँ पे लच्छी वाले में लग रहा है, लगता है हर शिवरात्रि को बहुत ज़बरदस्त मेला, तो मैंने तो कभी देखा नहीं, मैं तो पहली बार ही जा रही हूँ उनके साथ। और उन्होंने बोला थोड़ी देर के लिए चल लेते हैं, तो ये शिवांश भी खुश हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे मेला लगता है, कहाँ का लगता है, देखते हैं, दिखाते हैं आपको आगे का नज़ारा। खुद ही पता नहीं कहाँ पे लगता मेला, क्योंकि बहुत सालों से बोल रहे हैं इधर को, मैं लच्छे वाला की तरफ आया नहीं, बहुत पहले आया था पर मैं, और अभी बहुत टाइम से ही आया नहीं क्योंकि इधर साइड पड़ता है ये, तो इधर साइड काम भी कम ही पड़ता है, तो इसलिए अपने दोस्त को पूछा है इन्होंने। अभी वो आगे चले गए हैं, काफ़ी देर पहले के जा रखे हैं वो मेले में, तो उनको पूछा कि कहाँ पर है, कैसे जगह है, तो इसलिए अभी पूछा उन्होंने, तो उन्होंने बोला ऐसे आओ यहाँ से आओ, इसलिए हम चल रहे हैं अभी उनके बताए हुए रास्ते पर। वैसे
एक दिन गए थे हम स्टोर पे, तो भैया ने बताया था कि यहाँ पे बच्चे जाते और यहाँ पे ना काफ़ी भीड़ भी हो रही है, गाड़ियाँ देखी यहाँ पे देख सकते हैं आप, साइड में गाड़ियाँ लगा रखी है और अभी बहुत सारे लोग मतलब जा रहे हैं उधर को, यहाँ से हमें सबसे पहले हम यहाँ पे गाड़ी साइड लगा लेते हैं क्योंकि सब लोगों ने यहाँ पे गाड़ियाँ लगा रखी है, कुछ लोगों ने नीचे वाली रोड पे लगा रखी है, कुछ लोगों ने यहाँ पे लगा रखी है, तो यहाँ पे ना टू व्हीलर लग रखी है सारी, फोर व्हीलर नीचे की तरफ लग रखी है क्योंकि नीचे की तरफ ज़्यादा जगह है, तो यहाँ पर ना भीड़ काफ़ी हो रही है, मतलब पहले तो मुझे लगा कम ही है भीड़ पर अंदर जाके तो मेरे को पता ही चला फिर, और यहाँ पर सामने लगा रखे हैं बच्चों के बलून सारे, इतने सुंदर लग रहे थे ना देखते ही, हमें इतने सुंदर लग रहे थे और हमारे शिवांश तो उन्हीं पे नज़र गड़ाए बैठा था, वही चाहिए वही चाहिए। आते ही हमने देखा इतनी भयंकर भीड़ थी ना कि पूछो ही मत, मतलब देख के ऐसे हो गया सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे। और ये वाला झूला देखिए, यहाँ पे घोड़ा दिख रहा होगा आप लोगों को, इस वाले झूले को देख के तो शिवांश इतना जिद करने लग गया कि मुझे उस पर बैठना है, लगाया बार बार एक ही वर्ड बोलने पर काटी काटी, वो वाला होता ना बच्चों को याद है लकड़ी की काटी वाला, तो लगाया बार बार कि मुझे उस पर बैठना है। और यहाँ पे देखिए इतनी ज़्यादा भीड़ थी और थक भी गए थे और नीचे ना बार बार इसको इधर उधर हो रही थी इसकी गर्दन, इसलिए इसके पापा ने इसको कंधे में उठा लिया था और हम यहाँ पे देख रहे और कंधे में आराम से अपने पापा के कंधे के ऊपर बैठ के आराम से मेला देख रहा था शिवांश और बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और बड़े बड़े झूलों को देख रहा था उधर, और ये तो उसको इतनी पसंद आ रही थी पर हमने डर के मारे इसमें बिठाया रहता, एक मन तो हो रहा था तो बिठाते थे पर यहाँ पर ना वो बच्चे को बैठ रहे थे। तो थोड़ी देर हमने मेला घूमा है और घूमा तो क्या वहाँ जाके मतलब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि वहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। क्या हुआ बेटा, ऐसे कौन लेटता है गोद में, कौन लेटता है? तो आके ना हम थोड़ी देर सो गए थे मतलब थोड़ी देर, बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो गया था मेरा और मैंने इधर आने के लिए ब्लॉग नहीं आए थे, मैंने इनको बोला कि जल्दी जल्दी घर चलो, मैं भी हो रहा सिर में दर्द और धूप भी काफ़ी तेज़ थी और भीड़ भी ज़्यादा थी और हल्ला इतना हो रहा था, बहुत ज़्यादा वहाँ पे लगा रखे थे उन्होंने म्यूजिक वगैरह लगा रखे थे बहुत ज़्यादा, और जैसे कैसे तो ये बज रहा था वहाँ पे, ये कुछ भी नहीं लाया हमने मेले से, सिर्फ ये लेके आया शिवांश के लिए क्योंकि ये ना बार बार सबको देख रहा था वहाँ बच्चों को इनको बजाते हुए, तो हम इसलिए ये लेके आए सिर्फ इसलिए, और तो कुछ भी नहीं लिया वहाँ, लेने की फुर्सत ही कहाँ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी भाई कि पूछो ही मत, हम सीधे घर आ गए उसके बाद अच्छे से लेट गए थोड़ी। और वहाँ मेले में रह के ना ये बार बार वो झूले पे बैठेंगे जीत भी कर रहा था, बार बार परेशान कर रहा था अपने पापा को कि मुझे वहाँ बैठना, सीधे वहाँ के लिए रेस्ट लगा रहा था, सीधे ऊपर कंधे पे भी बिठा रखा था फिर भी नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था, ये मुझे ना वहाँ पे बैठना है झूले पे बैठना है मेरे को, और झूले में ऐसे बैठते हैं इसको एक बार ऐसे मतलब बिठाया था फिर, मतलब छोटे बच्चों को बिठाया था, डर भी लगता है यार कहीं मतलब, और वहाँ उस वो झूला ऐसे है कि उसमें बड़े भी बैठ नहीं सकते, हम बैठते तो शायद फिर इसको करते और बड़े झूलों में इसको बिठा नहीं सकते थे, छोटे में हम नहीं बैठ सकते थे इसलिए इसको ना बिठाया नहीं, इसके मन की इच्छा पूरी हुई ही नहीं, और फिर रोता रहा कि मुझे उसमें बैठना काटी पे बैठना, मुझे लकड़ी की काटी करना मेरे को, ऐसा गाना गाना मेरे को किया ना, कहाँ थी लकड़ी की काटी, काटी कहाँ थी, मेले में थी काठी, आपको नहीं बिठाया मेले में, वो काठी पे नहीं बिठाया आपको, बजा तो, बजा तो, कैसे बजाते हैं इसको, अरे बाबले शिवांश को भी आता है वही बजाना, अरे बाबले शिवांश को भी आता है वही बजाना, उफ अच्छा लगा आपको ये, उफ बाबले शिवा।
सब बच्चे तो मतलब इसी में खुश हो गया था ये। फिर उसके बाद भूल गया था कि मैं झूले पे बैठने की जिद कर रहा है या ट्राई कर रहा है, उसको बार बार निकाल रहा है, फिर इसी में खुश हो गया था। और अब लग रही है बहुत जोर की भूख, क्योंकि हमने दिन में भी खाया नहीं था और वहाँ पे भी कुछ खा नहीं पाया क्योंकि वहाँ इतनी भीड़ हो रही थी और वहाँ पे अच्छा भी नहीं लग रहा था बैठने। तो अब लग रही है मेरे को भूख, तो देखती हूँ बनाती हूँ मैं कुछ। तो अभी लग रही है बहुत जोर की भूख, तो मैं बनाती हूँ अभी फ्राइड राइस। और इसके पापा भी बोल रहे हैं कि फ्राइड राइस बना दे इस टाइम पर, और क्या बनाएं। तो रात का टाइम भी हो गया, काफ़ी हो गया टाइम भी, अब वैसे भी सब लोग रात का खाना बनाने लग गया, तो हमें इस टाइम में भूख लग रही है। तो फिर बनाती हूँ फ्राइड राइस, बनाती हूँ तो दिखाती हूँ आपको कैसे बने मेरे फ्राइड राइस, कैसे बनेंगे मतलब। तो चलिए बने। तो चलिए जी, हमारे फ्राइड राइस बन के भी एकदम तैयार हो गए हैं। और इसमें देखिए मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च डाली है, थोड़ी सी पत्ता गोभी डाली, थोड़ा सा डाला मैंने गाजर टमाटर, और ये देखिए यहाँ पे शिवांश, उसको मैंने खाने के लिए दिया था, अपने पापा को डाल रहा है वापस। ये देखिए जैसे तो अपने पापा से इतना प्यारा है कि जितना मिर्चे भी नहीं है, उतना मिर्चे भी नहीं करता प्यार जितना अपने पापा से। बस पापा चाहिए होते हैं इसको, जब इसके पापा इसके पास होते हैं। खुद नहीं खा रहा, अपने पापा को खिला रहा, अपने पापा के थाली में अपने कटोरे से पूरा डाल दिया, पूरे चावल डाल दिए अपने पापा के कटोरे। ये देखिए मतलब उसके पापा मार रहे पीछे से कि खुद खा ले मुझे मत दे, फिर भी नहीं मान रहा, फिर भी डाले जा रहा। पूरी कटोरी खाली कर दी, अब मुझे तो बिल्कुल भी नहीं दे रहा भाई, मेरे को तो बिल्कुल वो नहीं आती, इसको थोड़ा मेरी तरफ से देख भी नहीं रहा बिल्कुल। देखियो ज़रा, तो चावल ना बड़े अच्छे, जब मैंने खा के देखे तो मतलब बड़े अच्छे, जितने अच्छे दिखने में लग रहे थे ना उतने अच्छे खाने में भी लग रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे। तो हम ना तीनों बैठ के यहाँ पे आराम से नीचे बैठ के खा रहे थे आराम से, भूख भी बहुत तेज लग रही थी तो इसलिए शायद ज़्यादा अच्छे तभी लग रहे थे। और मुझे तो ऐसे फ्राइड राइस बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब मुझे काफ़ी पसंद है। तो मतलब मुँह में मज़ा ही आ गया था एकदम से, इतने अच्छे बने हैं, मेरे हाथों में तो जादू है। ये भी कह रहे थे कि बड़े अच्छे हो रहे हैं यार, बड़े टेस्टी हो रहे हैं मतलब। तो मैं ना खाती हूँ पहले। तो हमने खाना वगैरह भी खा लिया है और अभी ये लगा पड़ा है, इसको कभी इसको निकाल के बजाने में, ये देखिए कितने ज़ोर से बजा रहा है, सिर पे दर्द कर रहा है यहाँ पे भी, अभी भी बिजी हो रखा है इसमें। और आजकल बेचारा अकेले भी है यहाँ पे, क्योंकि मम्मी के साथ आई थी मेरे देहरादून, मम्मी को दवाई लेनी थी अपनी, तो मम्मी का चेकअप वगैरह करवा के मम्मी चले गई है परोला, और हम रह गए हैं यहीं। और ये अकेले आजकल बुरा मान रहा है तो इसलिए ऐसे बिजी हो रहा है, हो रखा है आजकल, तो समझ नहीं आता। वैसे खेलता भी कम ही है आजकल, मम्मी के बिना इसको बहुत ख़राब लगता है। और मेरे को काफ़ी टाइम हो गया देहरादून आए हुए, और मैं ब्लॉग भी ना पाई बीच में, तो हॉस्पिटल वगैरह जाना था उधर, फिर मम्मी घर चले गई थी उसके बाद दवाई लेके। चले जी, आज के ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, आज के ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो में नई शुरुआत के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।